Hello everyone. In this video, we are going to talk about Dr. Lal PathLabs. This is not a buy-or-sell recommendation. Please consult your financial advisor before buying or selling any stock, any financial instrument. So guys, जो मेरे पुराने early bird subscribers हैं, आपको याद होगा when last year we were doing the Bhai Saab series, उसमें एक stock था जिसमें काफ़ी लोग फंसे हुए थे. In fact, there were two DVs, there were two Ds, DVs Laboratories and Dr. Lal PathLabs. आई थिंक लुकिंग एट द पैटर्न एंड द प्राइस एक्शन, मुझे लग रहा है डॉक्टर लाल तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे जो लोग काफ़ी लोग फंसे हुए होंगे और काफ़ी लोगों को बोलते हैं ना एवरेज कर करके आपका भाव 3,000-3,200 डिपेंड्स क्या भाव पे आपने लिया, कहाँ एवरेज किया. बट अभी जो ये स्टॉक सडनली ऊपर आया है फ्रॉम 1900 टू 3000, इसका जो शेल्फ लाइफ था वो कोविड के टाइम एक्सप्लॉइट हुआ. When we had the pathology tests and everything at its premium, then Tata जैसी companies और 1MG जैसे जो भी players है, exact name आप देख सकते हो, उन्होंने एकदम कौड़ियों के दाम पर testing and laboratory and all of that offer करना शुरू किया. तो डॉक्टर लाल को business hit चाहे आप whether we like it or not, there was a fund manager who was aggressively promoting Dr. Lal PathLabs and DV's Laboratories, and वो बात तो ऐसे करते रहे जैसे उनके बाप का माल है, या तो उन्हीं की कंपनी है या वो प्रमोटर इज़ हैंड इन ग्लव विद द फंड मैनेजर. बट अब मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली एट दिस प्राइस पॉइंट काफ़ी लोगों को शायद एग्ज़िट दे रहा होगा. और अगर आप इसमें फंसे थे तो ज़रूर कमेंट में लिखिए. इट इज़ अ केस स्टडी, इट इज़ नॉट इवन अ स्टॉक टॉक राइट नाउ. बाय सेल रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है, बट लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम आप फंसे रहे और कैसे हम फंड मैनेजर्स की बातों में अक्सर फंस जाते हैं.